2022 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां नए नए ऐलान कर रही हैं, तो वहीं उनकी विपक्षी पार्टियां वार पलटवार कर रही हैं। प्रियंका गांधी की यूपी में सरकार बनने पर छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने वाले ऐलान पर अब यूपी के राज्य मंत्री पलटू राम ने निशाना साधा है। बलरामपुर में सूबे के सैनिक कल्याण एवं होमगार्ड राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि प्रियंका गांधी जानती हैं कि उनकी पार्टी की यूपी में सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए वो लोगों को बरगला रही हैं और मुफ्त का दाम फेंक कर वोट बटोरना चाहती हैं। लेकिन लोग अभी भी कांग्रेस का शासनकाल भूले नहीं हैं, इसीलिए प्रियंका को पंजाब पर ध्यान देना चाहिए, जहां उनके पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है, जिससे पंजाब में भी कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक सकती है। उधर महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का हल्ला बोल जारी है। पेट्रोल के बाद महंगे गैस सिलेंडर पर भी तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि 1000 का सिलेंडर बना स्टूल। अखिलेश ने लिखा है, 1000 का सिलेंडर बन गया है स्टूल, झूठ के फूल की नहीं दोहराएंगे भूल, यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा, हैशटैग भाजपा खत्म, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर हैं, चुनावी साल है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट यूपी के युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी के उस बयान पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। आइए सुनते हैं मंत्री उपेंद्र तिवारी का पूरा बयान। मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आज दुगनी बढ़ी हुई है, दुगनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर। पेट्रोल की कीमतों क्या कहेंगे और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज छंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन कई सियासी दलों ने चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं, तो देखते हैं आज किस दल और किस नेता ने कहां की रैली। तो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। कल ओम प्रकाश राजभर ने सोनभद्र में एक रैली की और ओपी राजभर कानपुर देहात में थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। राजभर ने कहा कि भाजपा के अच्छे दिन के वादे से बेहतर हमारे बुरे दिन। हमको आपको इन्होंने बताया कि आप लोगों का पूरा दिन चल रहा है, हम हमने सोचा कि सही है बातों, आप लोगों के अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन लेने हम लोग चले गए मोदी जी के यहाँ। जब हमारे का पूरा दिन रहा तब गैस सिलेंडर 400 रुपया भी मिलत रहा, अब तक अच्छा दिन आ गए, अब तक सस्ता हो गल हुई कितना 1000। अब बतावा जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहा वो 200 रुपया होगा अच्छा दिन, जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो रहा आज वो अरहर का दाल 125 रुपया किलो हो गई, जौन पेट्रोल 60 रुपया रहा वो 100 पार हो गए, जौन डीजल 60 रुपया रहा 4 रन पीछे हो शतक लगा हुआ 4 रन बचल। अब बतावा हम आपसे पूछे थे, बतावा हमारे का पूरा दिन ठीक रहा कि अच्छा दिन ठीक रहा।